पातशाहियां दी आत्मक जोत बाणी गुरु शब्द गुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की हाजर हजूरी में श्री अखंड पाठ साहब के भोग उपरंत चल रहे किसान संघर्ष में टिकरी बार्डर से बड़े अदब सत्कार के नाल जुड़ बैठी गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आओ सारे सर्व विचारां दी सांझ तो पहला सतगुरां दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र गुरफतेह दी सांझ करिए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, जिथों तक आवाज जांदी है सारे माई भाई सतगुरां नूं सीस झुका के मिल के गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार फिर सारे बुलंद आवाज में जिहड़े पहली बार फतेह च शामिल होणो रह गए हो वह भी सारे फतेह च शामिल होवो ते गज के फतेह बुलाओ आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सारयां नूं पता कि आप किस मकसद दे वास्ते इत्थे लंबे समय तो कई महीनों तो मोर्चा लगा के बैठे हैं। जो केंद्र सरकार ने तीन कानून पास किए हैं जिन्हां नूं रद्द कराउण वास्ते पूरे भारत दे विचों वहीरां कत्त के किसानां मजदूरां ने दिल्ली दे बार्डरां ते डेरे लाए है। कल्ले पंजाब ते हरियाणा दी गल नहीं, अज भारत दा कोई भी कोना नहीं रहा जिथों साडे किसान ते मजदूर दिल्ली दे बार्डरां ते आके नहीं बैठे। ते मैं बेनती करां कल्ले भारत दी गल नहीं, दुनिया दा कोई कोना नहीं रहा। अमेरिका तो लैके न्यूजीलैंड दी धरती तक जिथे तक दुनिया वसदी है उन्हां दीआं भावनावां साडे नाल जुड़ियां होईआं ने। आपो अपना योगदान तन मन धन दे नाल इस चल रहे किसानी संघर्ष विच सारिआं ने पाउण दा जतन कीता। बहुत सारे सत्कारयोग बुलारिआं ने वख-वख किसान यूनियन दे आगू साहिबानां ने आप जी नूं चल रहे संघर्ष दे बाबत जो होया बीतिया ते जो अपडेट है अगां जो रणनीति है उहदे बाबत तुहानूं दसणा कीता। गुरु प्यारिओ ये चल रहे संघर्ष विच असीं गुरु की ओट लैके परमात्मा की ओट लैके चल रहे हाँ, क्योंकि साडी जिंदगी का कोई भी संघर्ष होवे खुशी गमी का समा होवे असीं अपने गुरु की ओट लैने। दुनिया ते जिन्ने भी लोग वसदे आपो अपने धर्म की आस्था आपो अपने फेथ नूं फॉलो करदे आ, चाहे कोई मुसलमान है हिंदू ब्राह्मण है ईसाई है बोधी है जैनी है चाहे वह सिख है। असी गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे सिख क्योंकि सानू गुरु का हुक्म है, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ है। ते असी हमेशा गुरु की ओट लैने जदों भी असी दृढ़ता विच जाना है जदों भी साडे मन नू हौसला देना है तो उस वेले गुरु की बाणी की ओट सानू हमेशा है। सर्ब सांझी वालता की गल गुरु ग्रंथ साहब की बाणी के अंदर कोई बोले राम राम कोई खुदाए ता ही अज इस किसानी संघर्ष के अंदर कोई भी धर्म का पैरोकार पछा नहीं रहा। जिथे सिख बैठे उथे मुसलमान वीर बैठे है हिंदू ब्राह्मण बोधी ते जैनी ते ईसाई जेड़े खेती फैक्टर दे नाल जुड़े है जां मजदूरी सैक्टर दे नाल जुड़े है वो सारे ही अज इस संघर्ष के हिस्सा लै रहे हैं। तो हर एक आपू अपना बनता योगदान पा रहा कोई भी पछा नहीं है। जदों का यह संघर्ष चल रहा मैनू याद है कि मैं पहला भी इस जगह पर आके गया सी सिंघू बॉर्डर के उपर भी और हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मैडिकल सेवावान भी डॉक्टर दीआं टीमां भेजिया गई वह भी सेवावान दित्तियां गई और लंगरां दे विच भी जिन्ना हो सकिया वेतनसार हिस्सा पाया। और साडे हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के योधे जेडे लगातार इत्थे ड्यूटी दे रहे हैं सरदार जसवीर सिंह भाटी जिन्हां नूं असी हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जनरल सैकटरी भी बनाया और वो पूरे हरियाणा की किसान जथेबंदी राष्ट्रीय किसान संगठन के भी प्रधान ने। वो लंबे समय तो इत्थे जदों का संघर्ष शुरू होया सेवा निभा रहे साथियों समेत इस तरह साडे कार्यकारिणी के मैंबर सरदार गुरचरण सिंह जी चीमा जेड़े इत्थे मंच ते सेवा निभा रहे और लंगर दे विच भी दिन रात इत्थे सेवावां निभा रहे है। जो संगतां इत्थे सेवा कर रही मैनू बड़ी खुशी होंदी है कि सारे रल मिल के मैं देख रहा जिथे हरियाणे दीआं संगतां बैठियां
ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਦਰਾਣਾ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਨੇਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਇਆ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਨੰਦ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦ ਗੰਬੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਗਲੀਆ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਵਾਹਾਂ ਵਿਭੂਤੀਆਂ ਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਮਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਮਰਦ ਆ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਦੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਥਾਪੜਾ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਨਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 5 ਤੀਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭੱਥੇ 'ਚੋਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਸਮਾਣਾ ਸੋਧਿਆ ਸੰਢੌਰਾ ਸੋਧਿਆ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜੀਦਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਸਨ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁਜਾਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਾਰੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦਾ 100 ਖੇਤ ਵਾਹੁੰਦਾ 50 ਵਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਜਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਜਦਾ ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਵਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਤੇ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ
नुकते दी गल करोना महामारी चली है, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, जहाज एयरपोर्टा ते बंद हो गए, दुकाना बंद हो गई, सारा कुछ रुक गया। गुरमुख प्यारियो जे नहीं रुकिया ते की नहीं रुकिया, एक खेती नहीं रुकी, एक कारपोरेट घराणिया ने क्यों निगाह लाई अबानिया अडानिया ने खेती तो ना वेख्या, साड़िया फैक्ट्रिया बंद हो गई, इंडस्ट्रिया बंद हो गई, ट्रांसपोर्टा बंद हो गई, दुकाना बंद हो गई, नहीं बंद हुई तो खेती किसान खेतों च रोजाना कोरोना के बावजूद भी जाता रहा, शहर बंद सी, सगो खर्चा घट गया, मोटरसाइकलों के गेड़े कारा के गेड़े शहर नू घट गए ते खेतां वाल नू मुहारा मोड़ लिया। करोना महामारी के दौरान असी खेतियां कीतियां गुरमुख प्यारे, इस करके मैं बेनती करा कारपोरेट घराणिया ने अबानिया अडानिया ने सरकारा ने ता साड़ी खेती ते निगाह लाई है कि जदों इदां दी महामारी जिहड़ी अज चल रही है इहदे विच सिर्फ खेती चल रही, तो आने वाले समय के अंदर बार्डर भी खुलने हैं, चाहे वाघे का बार्डर हुसैनी वाले का बार्डर, तो साडे पंजाब हरियाणा भारत की खेती की जिनस जिहड़ी है वह इराक ईरान तक उधर अफगानिस्तान नूं जानी है, इस कारण करके उन्होंने पहला ही निगाह ला ली कि इन्हां खेतियां नूं अपने कब्जे च कर लियो, तो इन्हां किसानां नूं जिहड़ा है इन्हां नूं इहदा मुजारे जिहड़े मालक बने इन्हां नूं मुड़ के कसियारे बना दिता जावे। इस करके आओ मैं बहुते विस्तार विच नहीं जाणा, दो शब्दों के नाल तुहाडे तों खिमा मंगदा, बड़े सत्कारयोग आगू इत्थे जिन्हां ने तुहाडे दर्शन दीदारे करने आ, गुरमुख प्यारियो इको ही बेनती, आओ चढ़दी कला ना उतरा चढ़ा बने रहिंदे आ, सरकार नूं मजबूर होना पवेगा, महीनियां बद्धी हो गया संघर्ष नूं, आ हरियाणे च बैठे आ, हरियाणे च बीजेपी जेजेपी की सरकार है, केंद्र च बीजेपी की सरकार है, इन्हां नाल असी गलबात करन वास्ते भी हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी एग्जैक्टिव की मीटिंग च मता पाया गया कि मुख्यमंत्री हरियाणा केंद्र सरकार नाल गल करके किसानां दीआं मंगां नूं मन्निया जावे, हर एक क्योंकि आपो अपना फर्ज आपो अपने फैक्टर तो आप सारे निभा रहे हैं, तो आओ खालसा जी सरहद नूं याद करदे हां, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पी के अमर ते अमर ना हो सक्यों, दस खालसा पंथ दी तू शान की है, जे ना लड़ियों अजीत जुझार वांगों, कलगियां वाले दी दस तू संतान की है, उही जित दे बाजियां जागे अंदर जेड़े जितण लई बाजियां हार दे, कई बारी बाजियां जितण लई बाजियां हार दियां भी ने, उतरा चढ़ा बने रहिंदे आ, कदे दो कदम अगां कदे उन्हां कदमां ते रुकना, कदे दो कदम पछां भी हटना पैंदा, फिर छाल मार के अगे लंघ जाना, उही जित दे बाजियां जागे अंदर जेड़े जितण लई बाजियां हारदे ने, उठ खालसा गुरां दे लाल तैनूं बाजां विच सरहंद दे मार देने, आओ उन्हां शहीदां नूं याद करदे संघर्षां नूं मोर्चियां नूं फतेह करिए, गुरमुख प्यारियो मूवमेंट लड़ी जा रही है, तो मूवमेंट विच जिथे एम ते मूवमेंट किसे अंग्रेज़ फिलासफर ने लिखिया, दो एम होर चाहिए होंगे, एक मैन पावर ते एक मनी पावर, ना तो हुण इत्थे मोर्चे च मैन पावर की कमी है लखां संगतां ते ना मनी पावर की कमी है, हर बंदा अपना दसवंध दे रहा है, तो असी भी हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिथे होर लंगरां च सेवावां मैडिकल सेवावां उत्थे 21,000 इस लंगर दे वास्ते भी सेवा, सत श्री अकाल, इस लंगर की सेवा वास्ते भी कि योधे डटे हुए हैं इत्थे लंगरां की सेवा कर रहे आउंदियां जांदियां संगतां लई, और हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी योगदान पाया जाता है, असी हमेशा हाजिर हाँ, जदों भी आवाज़ मारो तो अपना फर्ज समझते हुए अज इत्थे दर्शन करन वास्ते साडे सरदार गुरचरण सिंह जी चीमो सरदार जसवीर सिंह भाटी वालों संगतां दा हुक्म सी, सैकड़े मीलों का पेंडा तय करके तुहाडे विच हाजिर हाँ, गुरु कृपा करे असी अरदास का हिस्सा बनाया इस मोर्चे नूं, जिथे भी साडा समागम हुंदा अरदास होंदी है, मेरे वालों बकायदा बेनती की गई अरदासिया सिंह नूं जिथे मैं खुद भी करा कि वाहिगुरु सच्चे पातशाह चल रहे किसान संघर्ष विच सफलता बख्शणी, ते साडे किसान जित दे जकारे लाउंदे मोर्चे फतेह करके घरां नूं आउण, ये गुरु दे चरणा च अरदास है, करोना महामारी का भी सतगुर खात्मा करन ते किसान संघर्ष फतेह होवे, गुरु दे चरणा च अरदास, ओट गुरु दी भुल्लां चुक्कां दी खिमा बख्शो, सारे सत्कारयोग वीरां भैणां दा जिहड़े लंबे समय तो हाजरियां भर रहे ते सेवावां कर रहे ते सारे यूनियनां दे आगू साहिबान सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद,
करो फतेह की सांझ गर्जवी आवाज में। अगला प्रोग्राम सत्कारयोग सतपुत्र साहब पासों सरवण करो, झुकाओ शीस गुरु ग्रंथ साहब जी नो ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, हुण खेती बचाओ संघर्ष समिति दे प्रधान सरदार जरनैल सिंह मलवाला, वो बाबा जी उन्होंने सरोपा दे के सत्कार करनगे जी। आओ जी जरनैल सिंह जी। बोले सो निहाल श्री अकाल, उन्होंने साथियों नूं बेनती है कि अगे आ जाण। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। सो बहुत बहुत धन्यवाद जहेदार जी बलजीत सिंह दादूवाल उन्हों का, जो कि 21,000 रुपया गुरु के लंगर वास्ते सेवा दे गए। धन्यवाद हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों। सो बेनती है कि जो भी इत्थे वीर पहुँचे न, आप समाप्ति की अरदास करनी है। समाप्ति की अरदास तो बाद देख लैके सब ने जाना जी। इस वास्ते साढ़े विच जोगिंदर यादव जी पहुँचे न, उन्हों का सत्कार करते हैं। एक ढवाणे वाले वीर नूं कहा सी वो अगे आ जाण, उन्हों का सरोपा करके उन्हों का सन्मान किया जाएगा।